इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस तरह की रूफ बनाना, जो रूफ के ऊपर टाइल्स लगती हैं इस तरह की, जिसको खपरेल बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये किस तरीके से आप बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, अगर आपको इस तरह की टाइल लगानी है तो वो कैसे लगेंगी और इसका क्या तरीका होता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इसमें एक टूल्स, वो फ्री टूल्स है वैसे, वो अगर आप इसको एडवांस करना चाहते हैं तो आप उसको परचेज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं यहाँ पर आपको इसकी डिटेल भी बता देता हूँ। तो ये जो टूल्स मैंने डाउनलोड किया है, मैंने डाउनलोड किया है एविज स्टूडियो, जिन्होंने ये टूल्स बनाया है उनका नाम है एविज स्टूडियो। और यहाँ पर टूल्स में जाके आपको एटाइज पर क्लिक करना है, और अगर आपको प्रो वर्ज़न चाहिए तो आपको यहाँ से प्रो वर्ज़न क्लिक करके परचेज़ करना होगा, या फिर आपको अगर फ्री चाहिए तो आप यहाँ से फ्री वर्ज़न यहाँ पर क्लिक करके इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करके इसको इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल कैसे करना है उसकी यहाँ पर इन्होंने सारी डिटेल बताई है। आप सेम इसी तरीके से इसको इंस्टॉल कर लें, और जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये वाला पाथ देना होता है जहाँ पर ये इंस्टॉल होती है फाइल, आपको उसी में ऑटोडेस्क सी ड्राइव के अंदर, ऑटो प्रोग्राम्स फाइल के अंदर, ऑटोडेस्क फोल्डर के अंदर, और 3ds मैक्स जोन सा भी आप यूज़ कर रहे हैं जैसे 2018, उसके अंदर आपको इसी फोल्डर में जाके पेस्ट करना है। जैसे इसके बाद जाएंगे आप स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्टअप के अंदर आपको ये यानी कि लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी है जब इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3ds रूट के अंदर स्क्रिप्ट और स्टार्टअप सेलेक्ट करके आपको ये इंस्टॉल करना है आसानी से। और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी इसके हेल्प्स भी लिखी हुई हैं आपको कैसे कैसे ये टूल्स यूज़ करना है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। नहीं तो मैंने वीडियो में आगे बताया कि हम किस तरीके से इस टूल को यूज़ करेंगे और किस तरीके से हम इस तरह की कोई भी रूफ बना सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल है। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलिए बनाते हैं इसमें हम रूफ के लिए टाइल्स। तो सबसे पहले तो इसमें आपको इसका मॉडल रेडी करना है, जिस तरह की भी आपकी रूफ है। जैसे मैंने यहाँ पर दो एक ये सिंपल इस तरह की रूफ बना रखी है, सिर्फ रूफ है मैंने और कुछ नहीं बनाया इसमें, ये सिंपल मैंने यहाँ पर एडिटेबल पॉली से बना लिया। तो अगर आपके पास इस तरह की रूफ है और आपको इसके ऊपर टाइल्स लगानी है जो ऊपर लगती है, जैसे यहाँ पर इसको खपरेल वगैरह बोलते हैं, इस तरह की चीज़ अगर आपको इस पर लगानी है तो वो कैसे लगाएंगे? तो जब आप इंस्टॉल कर देंगे एविज स्टूडियो टूल्स को, इंस्टॉल करने के बाद आपको ये यहाँ पर मिलेगा जहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे ज्योमेट्री पर, और यहाँ पर हमारे पास लास्ट में आएगा या कहीं भी बीच में आ सकता है एविज स्टूडियो टूल्स, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पर ये एक नई कमांड आ गई। ये एक स्क्रिप्ट के ज़रिए बना हुआ है और इसी से हम इसके ऊपर टाइल्स लगाएंगे। तो टाइल्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास बहुत सारे इसमें नए नए पैरामीटर्स आ जाएंगे, बहुत सारे टूल्स हैं, ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर क्रिएट ऑप्शंस कि किस तरीके से हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमने तीन ऑप्शन स्टार्टिंग के तीन ऑप्शन को चेक किया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपके पास कंडीशन है इस तरह की रूफ की, जैसे यहाँ पर इसमें जो ये टाइल्स लगेंगी ए टाइल्स, ये फेस के हिसाब से लगेगी, या तो इस वाले फेस पर लगेगी, या इस वाले फेस पर लगेगी, या इस वाले पर, या इस वाले पर, अलग अलग फेस पर लगानी पड़ेंगी एक साथ, पूरी की पूरी रूफ पर टाइल्स नहीं लग पाएंगी। तो जैसे मेरे पास एक ही वाला फेस है और इस वाले फेस के मेरे पास तीन पॉइंट हैं, 1, 2, 3, तो जितने भी फेस हैं मेरे पास तीन पॉइंट हैं। तो तीन पॉइंट के लिए हमें ये तीनों ऑप्शन ऑन रखने हैं, यानी कि तीनों को चेक करना है। उसके बाद ये वाली रूफ है, इस रूफ में मेरे पास दो फेस है, एक ये वाला फेस है और एक दूसरी तरफ पीछे वाला फेस है। इसमें मेरे पास चार पॉइंट है, एक ये वाला फेस है, एक ये वाला फेस है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको इस कंडीशन में ये वाला ऑप्शन ऑन करना है। बाकी आप ये वाले ऑप्शन भी दूसरी जगह पर चेक करके देख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो कंडीशन हमारे पास आती है वो तीन या चार पॉइंट की आती है। तो पहले ट्राई करते हैं हम तीन पॉइंट वाली रूफ के ऊपर टाइल लगाना। तो सिंपली बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर स्नैप को ऑन करना है और स्नैप की सेटिंग में आपको यहाँ पर सिर्फ एंड पॉइंट रखना है, जिससे कि हम स्नैप कर सकें एंड पॉइंट को, और इसको ऑप्शन को ऑन कर देंगे। अब बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर आप एंड पॉइंट लाएंगे, यहाँ पर
यहाँ पर हमने क्लिक किया और ड्रैग करके रखेंगे, क्लिक को छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ पर कर्सर लाएंगे। हमारी रूफ़ बनती हुई हमें दिख रही है, यहाँ पर कर्सर आ गया। उसके बाद यहाँ पर लेके जाएंगे जो इसका लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर इसके ऊपर लाकर क्लिक कर देंगे और राइट क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाएंगे। और हम देख सकते हैं बिल्कुल, हमने बिल्कुल एकदम आसान तरीके से इस तरह की हमने इसमें रूफ़ बना ली। अब हम इसके कुछ पैरामीटर्स देखते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, रूफ़ को जो मैंने टाइल लगाई है इसको सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई में जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसका कोई सभी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस तरीके का कलर कर लिया, या कोई और सा कलर ले लेते हैं हम इसका, मैंने ये वाला कलर ले लिया। अब इसके नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं। मैंने सेलेक्ट किया पैरामीटर्स में, यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आपको किस तरह की इसमें टाइल्स लगानी है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनमें से आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इनका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, उसी हिसाब से आप इनमें से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, जो उनसे भी आप करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी अलग अलग टाइप की हैं, तो आप इनमें से करके देख लेना, जो जो सी करनी है आपको ये आ जाएंगी। मेन चीज़ इसमें क्या होती है, इसका साइज़ चेंज करना। साइज़ हमें कहाँ पर मिलेगा, हम जाएंगे एडवांस पैरामीटर्स के अंदर। एडवांस पैरामीटर में हम यहाँ पर देखेंगे स्केल, स्केल में यहाँ पर लिखा हुआ है 0.5। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर रखते हैं 0.4 तो स्केल इसका छोटा हो जाएगा, 0.3 और छोटा हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आप करते हैं 0.6 या 7, ये इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। 1 करते हैं या 2 करते हैं तो इसी हिसाब से बड़ा होता चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको कर लिया 0.5, ये मेरे स्केल इसका एकदम सही लग रहा है, तो ये इसी हिसाब से सही आ जाएगा। बाकी इसमें हमारे पास और भी पैरामीटर्स हैं, आप इसको ऑफसेट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में ऑफसेट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको किस तरीके की शक्ल अच्छी रखनी है, आपको यहाँ पर किस हिसाब से रखना है या यहाँ पर किस हिसाब से रखना है, तो वो हम यहाँ पर एक्स ऑफसेट में इसको कर सकते हैं, या फिर वाई ऑफसेट में हम इसको किस हिसाब से आपको रखना है तो वाई ऑफसेट में भी हम ये चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से। तो मुझे, मैंने इस तरीके से रख लिया और ये मेरा बिल्कुल सही बन गया। तो सबसे अच्छा तरीका इसका यही है, आप सिंगल एक पहले एक फेस में बना लें, एक फेस में बनाने के बाद इसकी सारे पैरामीटर्स यहाँ पर सही कर लें अपने हिसाब से, और उसके बाद आप इसका नेक्स्ट बनाएं। तो मैं यहाँ पर एक अलग दूसरा बनाता हूँ। यहाँ पर जाएंगे हम क्रिएट में, एटाइल्स पर क्लिक करेंगे और स्नैप ऑन रखेंगे। अब मैंने ये वाला एंड पॉइंट लिया, नेक्स्ट ये वाला एंड पॉइंट लिया और यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये भी बन के आ गया। बस एंड पॉइंट आपको सही देना है, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, सिस्टम भी हैंग हो सकता है क्योंकि बहुत सारे पॉलीगॉन्स हो जाएंगे इसमें। मैंने ये वाला एंड पॉइंट दिया और यहाँ पर ये वाला एंड पॉइंट दिया और इसका ये वाला लास्ट एंड पॉइंट दे दिया। तो इसमें ध्यान रखना है एंड पॉइंट का, आपको गलत एंड पॉइंट ना दें, या फिर आइसोलेट करके कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास इसमें बहुत सारे एंड पॉइंट हो गए इसके ऊपर, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ ये वाली रूफ को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करके इसको आइसोलेट कर लेंगे, और ये वाला फेस हमें बनाना बाकी है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एटाइल्स, और एटाइल्स पर क्लिक करने के बाद ये वाला एंड पॉइंट देंगे, ये वाला एंड पॉइंट देंगे और एक ये वाला एंड पॉइंट देंगे, और राइट क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से ये इस पर टाइल्स लगा ली। तो इसमें क्या करना है आपको, कलर वालर अपने हिसाब से इसमें मटेरियल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट करके इस तरीके से मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको कलर चेंज करना है, कोई भी क्लिक करके यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, या कोई भी मटेरियल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से बन के आ जाएगा इसके ऊपर, और आप इसके F4 बटन प्रेस करके एज फेस यानी कि बंद करके इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। आप अगर सिंगल सिंगल करके बनाएंगे तो इस तरीके से आप बनाने में बहुत आपको लेट हो जाएगी और इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। अब एक हम इस वाले फेस पर बना के देखते हैं, जो ये वाला फेस हमने बनाया है इसके ऊपर हम 4 पॉइंट वाली बना के देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया क्रिएट एटाइल्स, इसने आपको ऑन करा लेंगे, और हमारे पास 4 पॉइंट है तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे इस वाले ऑप्शन पर। और मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ड्रैग किया, यहाँ पर पॉइंट लाया ये वाला एंड पॉइंट, उसके बाद क्लिक छोड़ देंगे, ये वाला एंड पॉइंट क्लिक करेंगे और ये वाला एंड पॉइंट क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास ये वाला भी बन गया। अब इस साइड में भी बना लेंगे हम इसे इसी तरीके से, क्लिक करेंगे ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक। आपको इसी तरीके से करना है, सेम जैसे मैं कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ इनका कलर चेंज करना है। सिलेक्ट करके इनका हम आसानी से कलर चेंज कर सकते हैं।
ये दोनों चीज़ तो हमने आसानी से इसमें बना ली, लेकिन इसमें एक चीज़ की हमें अभी भी कमी महसूस हो रही है। अगर आपने कहीं पर देखा होगा या किसी फोटो में, यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इसके ऊपर भी एक लाइन सी बनी होती है इसी टाइल की। तो अगर वो बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैं इसी के ऊपर बना लेता हूँ। मैंने इस वाली रूफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट हो गई ये वाली रूफ। अब हमें क्या करना है, मैं F4 बटन प्रेस कर लूँगा जिससे मुझे एज नज़र आ जाए। अब हम इसी टाइल से बनाएंगे, वो चीज़ भी इसी टाइल से बनेगी। मैंने यहाँ पर क्लिक किया ए टाइल्स, और 5 पॉइंट को बंद कर देंगे, 3 पॉइंट रख लेंगे बस। 3 पॉइंट रखने के बाद हम यहाँ पर इसमें देखेंगे, ये हम बना रहे थे हॉरिजॉन्टल प्लेन XY, अब हम बनाएंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर क्लिक कर देंगे बस। उसके बाद हम यहाँ पर स्नैप ऑन करेंगे, सेम तरीका वही है, और ये वाला एंड पॉइंट लेंगे और नेक्स्ट एंड पॉइंट ये ऊपर वाला ले लेंगे और फिनिश कर देंगे। तो ये इसके ऊपर बन के आ गया। अभी ये बिल्कुल सही नहीं बन के आया, इसका हमें पहले इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, बाद में हम आगे के बाकी चीज़ बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे हमारी कुछ ना कुछ सेटिंग इसमें ख़राब हो रखी होगी ऑलरेडी। तो हमारे पास अभी हम एडवांस पैरामीटर के अंदर हैं। एडवांस पैरामीटर में हमारे पास यहाँ पर एक्स ऑफसेट है, तो अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये इधर उधर चेंज हो रहा है। तो इसको हम कर देते हैं 0, यानी कि जहाँ पर आपने लोकेशन ली है उसी के ऊपर बननी चाहिए ये चीज़। और इसके बाद इसमें वाई ऑफसेट भी है, तो वाई ऑफसेट भी हम 0 कर देते हैं जिससे बिल्कुल ये सही हो जाए। अब हम इसका थोड़ा सा स्केल चेंज कर लेते हैं। स्केल चेंज करने के लिए हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, हम सारी चीज़ को आइसोलेट कर लेंगे और देख सकते हैं कि हमारा स्केल किस हिसाब से आ रहा है। काफ़ी बड़ा स्केल है, तो हम यहाँ पर जाएंगे पैरामीटर्स के अंदर, एडवांस पैरामीटर्स के अंदर जाएंगे। एडवांस पैरामीटर में हमें यहाँ पर मिलेगा एलिमेंट, और इसको जैसे मैंने 0.4 कर दिया तो ये सही है 0.4। और यहाँ पर नीचे इसमें जैसे वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, यहाँ से हम इनको सही कर लेंगे। तो ये बिल्कुल मुझे सही नज़र आ रहा है, बाद में थोड़ा सा इसको हम ऊपर मूव कर देंगे आसानी से। तो ये चीज़ बन गई। अब इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ जहाँ पर फिनिश हो रही है लाइन, वहाँ पर हमें क्या करना है, ये इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं आप, लेकिन इसका एक और थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना है अगर मुझे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा पैरामीटर्स के अंदर। पैरामीटर्स के अंदर यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है रूफ टाइल्स, इसको चेंज करके देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट पर क्लिक कर दिया, तो फर्स्ट पर क्लिक करने के बाद अभी मुझे इसमें कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आई। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फर्स्ट, तो अभी भी नज़र नहीं आई। या लास्ट वाले में चेक करते हैं, लास्ट वाले में क्लिक करने के बाद ये चीज़ इसमें बन के आ जाएगी। और इसको चाहे तो आप यहाँ पर मैन कर सकते हैं, और इस वाले को भी मैन कर सकते हैं, बस ये वाला फर्स्ट होना चाहिए, यानी कि ये चीज़ सारी की सारी बंद रहेगी। अगर इसका और भी स्केल आपको बड़ा लग रहा है, तो इसका स्केल हम यहाँ से छोटा कर सकते हैं एडवांस पैरामीटर के अंदर से। अगर मैं यहाँ से करता हूँ 0.3 एंटर, तो ये 0.3 भी हो जाएगा। मैं इसको 0.35 रख लेता हूँ, ये 0.35 तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 0.35 एंटर, हाँ 0.35 सही है। अब बस इसी तरीके से हम सारी क्रिएट कर लेंगे, जैसे मैंने ये बनाई है इस तरह की हम सारी की सारी बना लेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, हम आइसोलेट कर लेंगे, और यहाँ पर हम इसके हिसाब से बना लेंगे। एटाइज पर क्लिक करेंगे, और स्ट्रेट लाइन आपको इसमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, और ये वाला एंड पॉइंट देना है हमें, ये वाला इस एंड पॉइंट से और इस वाले एंड पॉइंट तक। गलत हो गया, तो इसीलिए आपको एंड पॉइंट का ध्यान रखना है कि आप कहाँ से कहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। अनआइसोलेट करके देख लेंगे, हमारी चारों तरफ की इसमें बन गई। अब इन चारों को सिलेक्ट कर लेंगे हम, एस बटन प्रेस करेंगे। मैंने सिलेक्ट किया, एस बटन प्रेस इसलिए किया जिससे कि स्नैप ऑफ हो जाए। तो मैंने ये चारों की चारों सिलेक्ट कर ली, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम कलर चेंज हो गया, ये वाली बाकी है इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसका भी ये वाला ही कलर रख लेंगे। अब इसको जेड एक्सिस में थोड़ी सी अपने हिसाब से मूव कर लो, ये वाला गलत सिलेक्शन हो रखा था, तो मैं इसको थोड़ी सी ऊपर कर लिया। नहीं तो आप इसके पैरामीटर्स में से भी इसको मूव कर सकते हैं।
तो ये देखो हमने कितने आसान तरीके से ये चीज़ को बना लिया। बाकी और भी पैरामीटर्स हैं, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, मॉडिफाई में जाते हैं और इसके बहुत सारे आपको यहाँ पर स्टाइल मिल जाएंगे। अगर आपको दूसरे स्टाइल चेंज करने हैं यहाँ पर, ये यह यहाँ से हम इसमें से कोई भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर आपको रूफ़ बनानी है तो आप ये आसानी से बना सकते हैं, और ये बिल्कुल आसान तरीका है और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, बहुत अच्छे तरीके से ये बन जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप अपने हिसाब से इसको बना के देखें और फेसबुक ग्रुप में इसको पोस्ट करें, जिससे कि पता चले कि आपने किस तरह की बनाई है। आप इससे कुछ और चीज़ भी बना के देख सकते हैं अलग अलग तरीके की। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें, और वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड के साथ में। और मैं इस तरह की नई नई वीडियो अपलोड करता रहूँगा, कोशिश करूँगा डेली अपलोड करूँ वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।